तो डॉक्टर आरिफ दूर अपना के प्रेसिडेंट थे उस साल ये उनसे मिलने आए uh, वहीं था एक नया जूनियर डॉक्टर रेजिडेंसी शुरू की हुई तो उस वक्त से मुलाकात हुई थी सो आई आई कैंड ऑफ न्यू के हॉस्पिटल बन रहा है और उसकी क्या सोच है बट ऑबली यू नो छः साल तो मैं वहाँ ट्रेनिंग में था सो आई जॉइंडल्टर

March or April of uh, 1995, when, when I came back or joined here. So yes, it's been a now a 27-year journey. MashaAllah, and uh, jo Apne um you studied uh, infectious disease in Washington University uh, wo, School or, of Lewis, Medicine yes. from 1992 to 95. Right. So you met Khan Saaf before you studied infectious disease. Before I internal medicine ki residency. Kar so in the US, in like most places, your training in medicine or medical specialties or surgical specialties. It's an apprenticeship. You go and join as a trainee and you work and you are paid. Hmm. Small salary relatively, but you are paid. What happens is ke structured training programs out there. So you have senior residents over you and you have further senior over them and then

तो फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन की स्पेशलिटीज़ हैं कार्डियोलॉजी एंड गस्ेस्ट्रोट्रोलॉजी एंड रूमोटॉलोजी एंड एंड सो ऑन सो सो आर द स्पेशलिटीज़ हैं ट्रेनिंग इन इट अ एस सिस्टमशिप इन मोस्ट अदर प्लेस नो इधर फेलोशिप और सब तो सो एटी इंटरनल मेडिसिन वो यूनिवर्सिटी में मेट Uh, Imran Khan saab and then 92 through 95 was the subspecialty training that hmm. was in Washington University St Louis Missouri hmm. or 95 hmm. this is all allopathic medicine yes uh, and you waise kabhi yunani tib Kender andar koch nazar mari it seems like jo uh, surviving uh, medicinal knowledge is the mein reh gayi hai ki jati that's all वेस्टर्न मेडिसन इवन दो लाइक चाइनीज ट्रेडिशन में या होम्योपैथी में और इवन यूनानी जिसको तिब हम कहते हैं उसकी उसका देर आर सोल्यूशनस टू थिंग्स लाइक फ्रेंड ऑफ माइंड डॉक्टर से वो सें कि होम्योपैथी में साइनसिस का बड़ा अच्छा सोल्यूशन है बट उनका वो टेस्टेबल हाइपोथिस नहीं होता वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती हर इज़ दैट देख इट नो सच थिंग इन वेज़ इज नो सच थिंग इज डोंट नो वट एलोपैथिक वन थिंग दैट आई डू नो इज़ दैट दर इज मेडिसिन कॉल साइंटिफिक मेडिसिन जिसका प्रूफ है अब उसका उसके क्योर का या ट्रीटमेंट लेट्स एक चीज कोई बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट है उसके ट्रीटमेंट का प्रूफ अगर मौजूद है साइंटिफिक बेसिस के ऊपर तो वह जदर मर्जी से आ रही है यूनानी से आ रही है चाइनीज से आ रही है अर्बल से आ रही है मॉडर्न नए वाले जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनसे आ रही है मोलेकुलर मेथड्स के जरिए कोई इलाज यू नो डिवाइज हुआ इट इट्स जस्ट हैज मेक सेंस साइंटिफिकली स्पीकिंग और एंड uh, एंड um, बहुत सारी मेडिसिन जो कि सो कॉल्ड एलोपैथिक में या साइंटिफिक मॉडर्न मेडिसिन में यूज़ होती हैं मेनी ऑफ तैम हैम फ्राम दी ओल्ड जड़ी बूटी रूट हार्ट फेलियर के लिए दवाई यूज़ होती थी और है किसी हद तक डिजॉक्सिन uh, ये जो कैंसर कीमोथेरेपी है टैक्सेंस जो है ये दरख्त एक था उसकी दरख्त है उसकी चाल से है। मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है आ, वो जो कन्वेंशनल था वो भी उसकी मेडिसिनल रूट्स थी और अब इस वक्त हासु एक इस वक्त जो बहुत इफेक्टिव एंटी मलेरिया मेडिसिन है आर्टेमेथर या आर्टे वो निकलती ही एक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से है तो जिस डायरेक्शन से भी आए यू हैव टू बी एबल टू शो प्रूफ इन अ ट्रायल इनसे इसका फ़ायदा है या नहीं है और अगर वो साइंटिफिकली किया गया है खुले दिल दिमाग के साथ और उसमें से एक प्रूफ निकलता है तो सर्टनी पार्ट ऑफ मेडिसिन तो मैं समझता हूँ कि यह सेप्रेशन एक तरह से आर्टिफिशल है हमने सिर्फ देखना ये है कि जो कोई तरीका इलाज भी आप बता रहे हैं उसके पीछे कोई मन पेश की जा रही है कि नहीं उसको टेस्ट आउट किया है कि नहीं या ये सिर्फ किसी का मफरूज़ा या ख्याल या इरादा या ओपिनियन है ओपिनियन इज़ द लीस्ट फॉर्म ऑफ दिस जब तक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो ओपिनियंस के ऊपर बहुत चला नहीं जा सकता तो ये है सो यस आई 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 यू नो आई ऑलवेज लुक एट थिंग्स कमिंग फ्रॉम एल्सवेयर एज वेल मगर वेरी ऑफन देव नॉट बिन पुट थ्रू नॉट ऑलवेज बट वेरी ऑफन देव नॉट बिन पुट थ्रू जो रेगुलर साइंटिफिक प्रोसेस है कई दफ़ा लोग कहते हैं वो इस वजह से भी पुट थ्रू नहीं हुआ कि उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता कई दफ़ा हो सकता कोई तरीका इलाज मौजूद है और किसी के पास उतना पैसा या मीन्स या लॉजिस्टिक्स नहीं थी टू कंडक्ट अ प्रॉपरली डन ट्रायल उसमें भी बहुत पैसे लग जाते हैं ना आपने ट्रायल करना है उस बीमारी के मरीज ढूंढने हैं उसकी दो किस्में करनी आधों को एक दवा मिलेगी आधों को नहीं मिलेगी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होगा सो इट्स एक्सपेंसिव तो एन मुमकिन है कि कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन में जड़ी बूटियों में कोई इलाज बिना है हुँ. जो सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि किसी ने उनको स्टडी नहीं किया तो बिल्कुल एन मुमकिन है चाइना में काफ़ी उन्होंने कोशिश की है और बहुत सारी कोशिश के बाद चंद दवाइयाँ उनकी हैं जो विच uh, uh, sort of तो इनमें जैसे मैंने आपको एक हाउ डू सी ये चाइनीज एक्यूपंक्चर जो पूरी बॉडी की नर्व्स को मैप करते हैं मेरे वाले साहब बड़े शौकीन हैं तो वो एक वे करंट मारने वाली मशीन भी रखी हुई है उसके ऊपर हम पैर रखते हैं तो वो फ़र्क फ्रीकुनसीज़ पर आपको करंट मारती है एक्यूपंक्चर की साइंटिफिक बेसिस है Okay. Uh, वहाँ तो वो जब ओरिजिनली प्रैक्टिस हो रही थी तो आई डोंट नो इफ एनी बडी न्यू के क्या है ओबियसली वो तो एक कई एक्सीडेंटल डिस्कवरीज होती हैं देन बाद में उनको साइंटिफिकली टेस्ट किया जा सकता है या किया जाता है और फिर पता चलता है कि आहा इस वजह से ये काम कर रही थी तो एग इज़ वन ऑफ दम सो पेन के लिए तो बहुत चीज़ें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें इस्तेमाल होती है आई मीन देर आर अदर थिंग्स टू अब मैं कहीं पढ़ रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल नोज़िया के लिए uh, hmm. भी यूज़ होता है On multiple conditions. So, you know, pain का तो खासा रोल है एक का और बहुत सारी जो ये जो नई चीज़ें हैं ये टें वग़ैरह जो हैं, ये भी उसी तरह की उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग uh, तो बेसिकली अगर कोई ऐसा मेडिसिनल uh, इल्म uh, पहले एग्जस्ट करता है तिब में जो टेस्टबल के थ्रू मुशाहे की बुनियाद पर उसकी तस्दीक की जा सके तो वो वैसे ही इसका हिस्सा बन जाए तो वो इनकाप्रेट वो इनकाप्रेट हो जाएगा और और ये होता रहता है बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो टैक्सेंस हैं आ, आ, मलेरिया का मैंने जिक्र किया अदर मैनी अदर्स टू जहाँ कोई ना कोई चीज़ जो है जो कन्वेंशनली यूज़ होती थी अच्छा आपकी इसकी सबसे इंटरेस्टिंग मिसाल दे देता तो इससे बढ़ के क्या होगी एंटीबायोटिक्स जो हैं ये कहाँ से डिस्कवर हुई सबसे पहले जो फंज हैं फंगसेस फंगस हैं वो अपने आप को बैक्टीरिया से बचाने के लिए सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जो उनको बैक्टीरिया से बचा दी वो भी उनसे फ़र्क किस्म की नसल है ना कई पोल्टिस होते थे चाइना में भी यूज़ होते थे हमारे सिस्टम में तो वो क्या थे आ, वो उनकी ओरिजिन या रूट्स कुछ ऐसी ही थी तो फ्लैमिंग ने अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने जब पेनिसिलिन डिस्कवर की तो वो वो एक्सीडेंटल थी ना और वो मोल्ड के जरिए ही आ, जो मोल्ड था वो सब्सटेंस बना रहा था जो कि एवेंचुअली फिर पेनिसिलिन जिसको नाम मिला तो ये yes, आपके सामने है दिस इज दिस ऑल केम फ्रॉम नेचर एंड बट uh, आज मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें नेचर से बरह रास्त नहीं आ रही उनको हम हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ कैंसर की कुछ थेरेपीज़ हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं hmm. जिसमें एक्चुअली आप एक जेनेटिक या स्ट्रक्चरल फ्लॉ पता करते हैं कि ये है उसको या पूरा करते हैं या उसमें कोई उसके पाथवे में कोई रुकावट डालते हैं ताकि आप मरीज को बचा सके सो अ लॉट ऑफ न्यू मॉडर्न मेडिसिन इज बेस्ड ऑन दिज मोलैकुलर अप्रोचेज मॉलिक्यूल को देखें तो ये एम आर एम एन ए जो हैं आपकी कोविड की वो भी इसी तरह की जीन थेरेपी नुमा तरीके से जो फंक्शन करती हैं यू वुड नॉट कंसिडर दम नेचुरल इन दैट कि वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती तो नेचर में नहीं करती लेकिन उसमें क्या किया गया कि इसके के, के, के देखिए वैक्सीनेशन का जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो क्या था वो फेमस जो कहानी है जेनर की एडवर्ड जेनर की उसने देखा कि स्मॉल पॉक्स बहुत होती उस ज़माने में लोगों की स्किन ख़राब हो जाती थी इट अ इलनेस उसने देखा कि जो ये लड़कियां हैं जो मिल्क मेड्स हैं इनकी स्किन बड़ी साफ होती है इनको नहीं होती तो उसका आईपोसिस था कि इनको इसलिए हो रहा है कि जो स्मॉल पॉक्स एक मिलती जुलती पॉक्स थी जो कि कैटल में थी जो उनको हल्की सी इन्फेक्शन हो जाती थी और वो उस इन्फेक्शन की वजह से फिर स्मॉल पॉक्स को इम्यून हो जाती थी तो उसने ले के वो सब्सटेंस मटेरियल था उसको यूज़ किया अम्यूनाइजेशन में और ये बेसिस है इम्यूनाइेशन की कन्वेंशनली ये होता था कि आपने जिस चीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनाइज़ करना है उसकी प्रोटीन आप बॉडी के अंदर डालें मरी हुई फॉर्म में या यू नो you know, इनएक्टिव फॉर्म में ताकि आपकी बॉडी उसको समझे कि हाँ ये एक फॉरेन सब्सटेंस है और उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना ले हुँ. तो जब ऐसा जरासीम आए जो उस उस तरह की प्रोटीन अपने साथ लेके आ रहा है या उसको प्रोड्यूस करता है हुँ. तो बॉडी उसको मार दे ठीक अब एम आर ने क्या किया है कि उसमें आपने बॉडी की अपनी मशीनरी को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ़ कि वो आप प्रोटीन प्रोड्यूस करें लैब में आपने मैसेंजर आ ने बॉडी में डाला और आपकी बॉडी की मशीनरी को इंस्ट्रक्शन दिलवाई कि ये जरा प्रोटीन बना दें एक तरह से समझ साइड बिजनेस थोड़ा सा है तो वो प्रोटीन बना दी बॉडी ने जब वो प्रोटीन गई तो आपके इम्यून सेल्स ने वो प्रोटीन देखी और उसके खिलाफ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी क्रिएट कर ली अब वो एम आर तो गई और जिस प्रोटीन के खिलाफ आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी एक दफ़ा उसको देख लिया और समझ लिया कि ये जब प्रोटीन आएगी तो मैंने खड़े होकर इसका मुकाबला बॉडीज भेज दो तो एंटीबॉडीज बन गई सो इट इज़ अ वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स इन वैक्सिन हरी वेरी क्विकली तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ टेक्नोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोलेक्लर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द वायरसेस को इंजीनियर इंजीनियर करके ऐसी वैक्सीन बनाएगी जो कि फटाफट यानी आपके सामने चंद महीनों में वो सामने आ गई तो ये क्लासिक साइंटिफिक इनोवेशन की एक बहुत पारफुल और ज़बरदस्त मिसाल ई मीन I mean, अब हमारी uh, uh, जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ती जा रही है इसी वजह से क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम एन एम आर एन एक्स यूज जिससे पहले तो नहीं यूज़ कर इससे पहले असल में ये जो काम हुआ हुआ था ना यह हुआ हुआ था शुरू और वैक्सीन और कंडीशन के लिए भी फॉर एग्ज़ाम्पल इबोला के लिए लेकिन वो इतनी मेजर ग्लोबल यू नो वो उसकी नीड नहीं आई थी और कुछ लोगों की कंसर्नस भी थी तो वो फिर इधर उधर होती रही उतना वो नहीं चली थी यहाँ जब सडनली पैंडमिक आई

आई थिंक ऑन द होल वी हैंडल इट ओके उसकी वजह यह है कि जब आप एनालाइज करें फ्रॉम वेरियस पैरामीटर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यह ना कि उस उस भूचाल के बाद आप कितने सीधे खड़े थे हुँ. तो हम बतौर एक मुल्क उस भूचाल के बाद काफ़ी सीधे खड़े थे उसकी वजह थी हमारी इकानमी जो थी उसने ग्रो किया बजाय इसके एक वो रिसेशन में जाती एक चीज़ इसका मतलब है कि आपकी जो मामूल ज़िंदगी थी वो एज़ मच एज एक इकानमिट की जो नॉर्मल सी इंडेक्स थी उसमें काफ़ी अमू पर थे पहले दो तीन मुल्कों में थे एक बात दूसरा एट नो डे डिड वी रन आउट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई एट नो पॉइंट डिड वी कम्प्लीटली रन आउट ऑफ बेड्स बेड्स में शॉर्टेज हुई एक जगह शॉर्टेज हो गई दूसरी जगह हुई लेकिन ओवरऑल कहीं एक जगह मौजूद थे कहीं दूसरी जगह मौजूद तो ओवरऑल वी वर एबल टू नेविगेट वेरी वेल विद दिस तो मैं समझता हूँ फिर वैक्सीन जो हमारा प्रोग्राम था वो शुरू में लोगों ने बड़ी तनकीद की देर हो गई ये हो गया वो हो गया नॉट रियलाइजिंग कि द वैक्सीन वॉज नॉट दैट इजीली अवेलेबल लेकिन बहरहाल एज द सप्लाई ओपनडअप तो हमारे लोगों ने खुल के लगाई हमारे सिस्टम ने बड़े एफिशिएंटली लगाई और जिस दिन मैक्सिमम वैक्सीन डोजेस लगी उस दिन तेईस लाख डोजेस एक दिन में ट्वेंटी थ्री लाख टू पॉइंट थ्री मिलियन डोजेस तो हमारे मुल्क के अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद है लोग मौजूद हैं जो काम करते हैं सिर्फ आपने क्या किया अनलॉक की वैक्सीन सप्लाई आई टी बनाई उसके लिए लोगों को ट्रेन किया सप्लाई जो कोल्ड चेन थी वो मेनटेन करवाई ट्रेनिंग करवाई और प्रोक्योरमेंट की रेगुलर सप्लाई इंश्योर करवाई इंसेंटिवाइज किया वर्कर्स को अब मैं छोटी छोटी एक एक mm. करके पॉइंट mm. बता रहा हूँ बट यू वैन यू पुट ऑल दिस टुगेदर इसमें बहुत सी चीज़ें जिनका मैं यही जिक्र mm. कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारी डिटेल हो जाएगी बट इफ़ यू पुट इट टुगेदर तो इट इट वेंट वेल सो ओवर नाइन्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इवेंचुअली एंड एड ऑफ गेटिंग जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी एंड एड ऑफ गेटिंग वैक्सीन फॉर अ डेवलपिंग कंट्री दिस इज नॉट अ जोक दो अरब से ज़्यादा डॉलर की वैक्सीन खरीदेगी बाकी जो है वो, वो कोवैक्स फेसिलिटी के थ्रू आई और वी वर वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज यहाँ सात या आठ वैक्सीन इस्तेमाल हुई तो उन यानी एक 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 मेन्यू ऑफ ऑप्शंस के साथ उसको डिप्लॉय करना किसी की डोजेज़ दो थी किसी की एक थी किसी की दो डोजेज आपस में फ़र्क थी इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज uh, किया गया तो आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी दैट वी वी डिड वेल एंड स्पेशली कंसिडरिंग के जो लोगों का ख्याल था कि हम जैसे करेंगे उसकी नस्बत तो हम शुक्र है ग्रेस ऑफ गॉड बेहतर निकले Did, ये कोई मसले मसाइल हुए थे क्योंकि जो ज़्यादा तालीम याफ़्ता लोग नहीं होते उनको कई दफ़ा शक होता है कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये जो जिस तरह पोलियो वैक्सीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा नासमझ तबका जो हम जिसको कहेंगे वो उसके खिलाफ बोलता रहता है तो उसके लिए कोई मीडिया कैंपेंस करनी पड़ी या कुछ तरह करना पड़ा लेकिन मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंगली नासझ से ज़्यादा जो समझदार तबका था ना बिगर इशू बिकॉज पीपल हु हैड सम बैकग्राउंड साइंटिफिक नॉलेज मोर और लेस ऑल्सो ओवर एनाल ओवर थिंट ओवर था प्रोसेस एंड कई दफ़ा जो हमें रेजिस्टेंस आई कम थी ओवरऑल वो उस तबके से आई कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल बच्चों में एमआर ने वैक्सीन पर बड़े कंसर्न थे सेफ्टी डेटा बताया गया सारा कुछ और एवेंचुअली वी आर एबल टू कन्विंस पीपल के कोई इशू नहीं है जो कम तालीम्ता तबका है उन्होंने को खास नहीं इसको किसी ने रजिस्ट नहीं किया हाँ ये ज़रूर हुआ कि कई दफ़ा उनके लिए जाना जाके वैक्सीन लगवाना एक एडिशनल हैसल थी तो आपने क्या किया वैक्सीन उनके घर ले गए सो कैंपेंस चलें जिसमें जो मोबाइल टीम्स थी वैक्सीनेशन की उन्होंने जा काम किया तो ये बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ़ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसी कभी हुई है सर जो बुनियाद पाई जाती है जो वेस्टर्न मेडिसिन के अंदर वो जर्म थेरी ऑफ डिजीज़ कहते हैं या सेल थेरी कहते हैं इन बुनियादों से पूरी का पूरा ये इल्म जो कंस्ट्रक्ट होता है मेडिसिन uh, का इसमें लोग वो थेरी लव्स पे कई दफ़ा मैंने नोट किया वो फंस जाते हैं कि सेल थेरी इज़ जस्ट अ थेरी कह देंगे या जर्म थेरी ऑफ डिजीज़ इज़ जस्ट अ थेरी तो ये थेरी लव्स जो है इसमें साइंटिफिकली आपको इसका क्या मानी दिखता है देखिए वो um, देर, वो स्प्लिटिंग हेयर्स वाली बात कर रहे ओवर थिंकिंग हाँ. कर रहे हैं थोड़ी सी द फैक्ट ऑफ दिस मैटर्स के सेल्थ मौजूद है ना माइक्रोस्कोप के ऊपर आंख तो रखने की कोशिश करें तो नजर आ जाते हैं सर इतने मुश्किल नहीं और हाउ दे फंक्शन हैज़ बिन ग्रेजुअली अनलॉक्ड जाहिर है जब पहली दफ़ा वो डच साइंटिस्ट था थावन हुक उसने देखा तो उसने कहा हाँ ये छोटे छोटे सेल्स हैं इस लिटल बॉक्सेज वो बेसिस बनी इस ख्याल की कि ऑल बॉडी टिश्यूज़ आर मेड अपन काइंड ऑफ सेल्सर शोर एनफ ऑफ द माइक्रोस्कोप्स डेवलप जब जिस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया उसमें वो एक बिल्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपको नजर आया उसके फर्दर अंदर ब्लॉक्स हैं उसके न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है दूसरे हिस्से तो ये तो थेरी से तो बहुत बात आगे जा चुकी है और जर्म का भी कोई थेरी की तो बात नहीं है नो I mean, you know, उसमें इतना बॉडी ऑफ लिटरेचर इज सो कि उसको जुड़ाना तो फ्लैट अर्थ वाली बात तो एक, एक चीज अगर उसकी तस्दीक हो चुकी है तो उसको लॉ क्यों नहीं कह देते थे पार्टिकल फिजिक्स लिटरेचर में यूज होते हैं बिकॉज वो चीजें जो थेराइज होती हैं और जिनका अभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता उसको वो थेरी बोलते रहते हैं एंड देन देर इज मोर एडिकुएट प्रूफ पीपल तो बायोलॉजी में इस तरह का भी इतना यू you नो know, कहते rigid, uh, uh, um, theory, theory, तो है. हैं रिजिड ब्लैक एंड एंड नहीं प्रोसेस रहा कुड बी अदर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रही है जेनेटिक्स uh, की अंडरस्टैंडिंग में वो क्रिस्पर के थ्रू जीन एडिटिंग hmm. भी बहुत ज्यादा hmm. करने लग गए

सजेस्ट uh, हुआ कि इस तरह होगा तो ये एक्सप्लेन करता है आपकी फंक्शनैलिटी और बाद में वेरियस uh, किस्म की स्टडीज़ के ज़रिए ये क्लियर हो गया कि हाँ वो थेरी जो थी डबल हेलिक्स वो बिल्कुल करेक्ट थी और वो उसकी तो नज़र भी आता है देख सकते हैं आप उसको इन एक्सपेरिमेंटल वेज अच्छा फिर um, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई जिसको पी बोलते हैं पलिमरस चेन रिएक्शन वो एक तरह का उसको मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो वो एक एम्पलीफिकेशन है एक फोटो कापिंग काफे थे ये बिस्किट पड़े तो इसके मल्टीपल कॉपीज बना दें एक बिस्किट शायद इस कमरे में घुमा पड़ा पड़ा हो तो पता ना चलेगा लेकिन ढेर सारे होंगे तो फिर वो डिटेक्ट हो जाएंगे तो बॉडी के अंदर बॉडी के टिश्यूज़ ह्यूमन टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ जर्म्स एक्सेट्रा सबको को एम्प्लीफाई करके उनकी तादाद चाहे थोड़ी सी हो उसको एक प्रोसेस के जरिए बढ़ा के आप ले आए तो वो डिटेक्ट हो जाती है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप अब क्रिस्पर इसी तरह का एक रेवोल्यूशनरी चेंज है जिसमें यू विल बी एबल टू गो एंड एडिट एंड यू हैव बिन ऑलरेडी इसमें हो रहा है निशल काम तो बहुत हो चुका है एडिट पार्ट्स ऑफ वट यू आर मेकिंग और वट यू आर नॉट मेकिंग तो इसका पोटेंशल तो बहुत मैसेब है चाहे कैंसर हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं इवन यू नो इन्फेक्शन और इम्यूनिटी है uh, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें क्रिसपर जो है अपना रंग दिखाएगा लेकिन ये दिस इज इज टू बी क्योंकि इसमें वो ह्यूमन क्लोन करने की भी कुछ बातें करते हैं कुछ यहाँ पे फ्रेंच ग्रुप्स हैं यहाँ पे तो नहीं खैर अमेरिका में है, जो कि बिलीव करते हैं कि क्रिसपर क्योंकि सस्ती टेक्नोलॉजी है तो वो अपना हक मानते वो कहते हैं कि फार, बिग फार्मास्यूटिकल जो है वो खाली अमीर लोगों को ही खाली ये टेक्नोलॉजी देगी तो क्योंकि अब ये डेमोक्रेटाइजिंग किस्म की टेक्नोलॉजी है तो हम क्यों ना अपना जीन कोड खुद अपने हाथ में लेके अपने आप को इवॉल्व करें तो फ़र्क फ़र्क स्किन सेल्स जो मॉडिफाइड थ्रू क्रिस्पर हैं अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं बैठे हुए घर में तो उसमें वो बड़ा एक अंदेशा भी नज़र आता है कि सेंस इट सो तो चीप जब कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका इस्तेमाल और अच्छा और बुरा दोनों ही सामने आ जाते हैं और कई दफ़ा अच्छा और बुरा की बजाय ये कि समझदारी वाला और बेसमझी वाला देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए या उसको देखने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके बारे में जो बैकग्राउंड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी आपके पास हो ताकि आप उसको इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकें सो uh, so ये एमचोरेश अप्रोच टू इट जो है वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती है और यूजलेस भी हो सकती है एट मोस्ट यूजलेस भी है मोस्ट खतरनाक एंड है यूजलैस you नहीं know, तो हो सकती है। लेकिन बहरहाल देखिए जो सारा कुछ है ना दुनिया जिस तरह इवॉल्व कर रही है इस तरह बैठे वो सारा ही चेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन किस तरह स्प्रेड होती है हम बैंकिंग कैसे करते हैं हम चीज़ों की खरीदो फरोख कैसे करते हैं uh, हम इलाज कैसे करते हैं यू hmm. नो <laughs> you know, हर चीज़ ही तब्दील हो रही है सो हाउ मेडिसिन एंड मलेकुलर मेडिसिन इवॉल्व एंड हाउ इट इज़ कंज्यूम्ड ओनली टाइम विल टेल ओके एंड ये आपकी जो uh, शौकत खानम के अंदर आपने इट्स ओनली कैंसर बेस्ड मोस्ट ऑफ इट ऑलमोस्ट ऑल इज कैंसर इज वेरी लिटिल नॉन कैंसर दैट वी सी सो डू यू सी के इसके अंदर जो डेवलपमेंट आज कल आ रही है वो इल्ट्लाईरस फॉर कैंसर आई थिंक बहुत सारी मोलकुलर अप्रोचेज़ हैं जो कैंसर थेरेपीज़ को और दूसरी थेरेपीज़ को स्पेशली इम्यून डिफेक्ट एंड अदर चीज़ों को अफेक्ट करेंगी और कर रही है फिलहाल वो बेानतहा महंगी हैं लेकिन एज दीज टेक्नोलॉजीज़ बिकम मोर अवेलेबल मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड मोर एक्सेसबल तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होंगी न एश्योर यू के आज इवन बीस साल पचास तो दूर की बात है इवन बीस साल बाद की जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होगी एक्सपरेंशली डिफरेंट होगी इंटरेस्टिंग मैं कुछ थोड़ी ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि कैंसर होता क्यों है कि वो एक बहुत ही सेलुलर लेवल पर अगर आप देखें तो किसी एक आर्टिकल में मुझे इस तरह एक्सप्लन करा हुआ मिला था कि एक एक सेल है जो अपनी रिसोसेस से बाहर दूसरों की रिसोसेज कंज्यूम करने लगता है और जब वो अगले वाले की करता है तो अगला वाला भी दूसरे की करना शुरू कर देता है एंड सम एक जो एक निज़ाम हमारा जिसम में चल रहा है जो एक कमांड अथॉरिटीज पे चल रहा है वो एक अपनी अथॉरिटी भूल के अलहदा से रोग एलिमेंट बन जाता है तो ये इसका कोई ऐसा नहीं कि जड़ से हमें इसको कोई रूट में कोई मसला हो ये जेनेटिक डिफॉर्मिटी से ही होता होगा ये कि क्या होता है सो देखें कैंसर जो है जैसे आपने करेक्टली डिस्क्राइब किया है <laughs> सो ऑर्डनरी वे हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमारे जिसम के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उसमें ऑर्गन हैं टिश्यूज़ हैं हड्डी है, 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 है ब्लड है हार्ट है ब्रेन है किडनीज हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं फैट है इन सब चीज़ों की इन सेल्स की प्रोडक्शन एक तरीके और एक डिमांड और एक नीड के मुताबिक होती है अब रोज़ आपके एक सर्टन नंबर ऑफ ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं टूट टाट जाते हैं अपनी लाइफ को पूरी घिस घिस गए ख़त्म हो गए और उतने ही नए बॉडी बना देती है अगर ये बराबर बराबर सिस्टम चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर एक रोग सहल आ जाए बीच में वो कहे नहीं मैं तो किसी की नहीं सुनता और ये जो मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं कि अब चला दो अब बना दो इनको मैंने नहीं सुनना एंड मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगा तो फिर वो एंडलेस प्रोडक्शन शुरू कर देता है जब एंडलेस प्रोडक्शन शुरू करता है तो वो बाकी सिस्टम की रिसोर्स को ख़राब करना शुरू कर देता है और अपने निज़ाम को भी ख़राब करता है और कई दफ़ा जो बना रहा होता है वो इतनी हाई नंबर्स में वो उतना फंक्शनल भी नहीं होते मैं ऐसे मिसाल दे रहा अच्छा अब टिश्यूज में भी यही चक्कर है अब ब्रेस्ट है ब्रेस्ट टिश्यू एक नॉर्मल टिश्यू है लेकिन जहाँ नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू खत्म होता है वहाँ वो रुक जाता है अगर एक सेल मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और उसकी नॉर्मल बाउंड्स को रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है उससे बाहर बनना शुरू हो जाता है तो इन अदर वर्ड्स कैंसर इज़ नथिंग अदर देन अ डिसरेगुलेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड सिस्टम उसके अंदर एक बागी आ जाता है जो कहता है मैंने नहीं सुननी तो और वो फिर अच्छा अब उस बगावत पे उस सेल को क्या चीज़ उकसाती है इसके कुछ मोलेकुलर मैकनिज़म हैं कुछ कॉमन है कुछ, है, कुछ फ़र्क हैं कुछ एक टिश्यू में हैं कुछ दूसरी तरफ हैं कुछ कुछ में कुछ इंटरवेंशन सामने आती है कुछ में नहीं पता कि इसको ये शुरू कैसे ही हो रहा है और इसके ट्रिगर्स हैं कुछ कुछ जेनेटिक ट्रिगर्स हैं म्यूटेशन हो गई तो ये जो स्टार्ट और स्टॉप बटनज लगे हुए हैं ये अगर इसमें मिसाल के तौर पर बहुत क्रूड तरीके से बताऊं तो स्टॉप बटन जहां किसी वक्त खराब हो गया तो बस फिर वो चल पड़ा hmm. कई दफा uh, uh, वो तो है वो थोड़ी सी लेकिन फर्क बात है उस पर भी आ जाते हैं okay. uh, so एक तो हो गया ना जैसे आपके जेनेटिक वो है दूसरा ये है कि आपके uh, किसी और वजह से फॉर एग्जांपल आपके जेनेटिकली आपने कुछ नहीं ऐसी चीज इनहेरिट की लेकिन आपको लगातार एक्सपोजर हो रहा है किसी कैंसर फॉर्मिंग केमिकल का वो आके आपके सेल्स की जो ये रेगुलेटरी उनको ख़राब करता है और वो निकल जाते हैं इसकी मिसाल आप तम्बाकू ले सकते हैं टम्बाकू ले सकते हैं कुछ हार्मोन ड्रिवन होते हैं सम ऑफ़ द ट्यूमर्स आर हार्मोनस की वजह से वो चल रहे होते हैं कुछ का ताल्लुक जो है वो वायरसेस से है सो <coughs> क्लासिक so, इसकी मिसाल जो थी सबसे जिस इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला नाइनटीन में वो थी सर्विकल uh, कैंसर की जो बच्चा दानी का मुंह है उसका जो कैंसर है इट हैज टू डू विद यू नो वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग इट टू डिप कैंसर तो हेपेटाइटिस है इसी तरह से जो वायरल कॉजेज हैं इन्वायरमेंटल कॉजेज हैबिट की चीज़ें हैं जेनेटिक्स हैं और आखिर में लाइक एनीथिंग एल्स इन मेडिसिन बहुत सारे हैं जो अननोन अनोन जिसमें नहीं पता कि क्यों हो रहा है um, आपको पता नहीं सुना होगा आपने कि सबसे पहले टेस्टिकुलर कैंसर सॉरी uh, स्क्रोटल कैंसर के लिए हुँ. जो चिमनी स्वीप्स थे घरों में आग जलती थी चिमनीज होती थी वो हो जाती थी धुएँ और उससे उस, उससे राख से सूट से तो साफ करने के लिए वो लोग थे जो बेचारे आके उसको साफ करते थे तो क्योंकि वो उस माहौल के अंदर रहते थे अंदर घुसते थे चिमनी के सफ़ाई सफाई करते थे तो उनके कपड़ों में जिसम में वो आ जाती थी तो ये नोट किया गया कि

उसको रिप्लेस करने के लिए आजकल वो जो आए हुए हैं ग्लाइकॉल, उसके बारे में क्योंकि उसकी longitudinal studies तो वेबरिनल नहीं, नहीं है और मैं हमेशा लोगों को समझाता कि इतना ना ठीक है।, है उसमें बाकी वो कागज के जलने की राख करो उसके धुएं नहीं है लेकिन और पता नहीं क्या कुछ है तो बाय द टाइम ये आएगा तो देर हो चुकी होगी तो इस हैबिट में ना ही पड़े तो बेहतर Types of एक तो वैसे सवाल था, what's the कोई चीज़ जो आपके जिसम पे उभरी हुई है फर्क है, जो. So, जो के सी है. Okay. Uh, कुछ बिनाइंग ग्रोथ्स भी होती ग्रोथ है वो आगे से नहीं बढ़ेगी और वो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उसने ब्रीच किया लेकिन वो एक पॉइंट पर जाकर रुक जाती uh, यू समझ रहे कुछ कहने सुनने में होती है वो और जो मेलेग्नेट ट्यूमर्स हैं वो वो हैं जो बिल्कुल आज़ाद हैं मादर पिदर आज़ाद है वो किसी की सुनते नहीं है और वो फिर अपनी बाउंड से अपनी बॉडी के जिधर होना चाहिए जहाँ मसल टिशू होना चाहिए वहाँ से रुकेंगे नहीं बोन है उसकी एक लेंथ है एक शेप है उसकी साख्त है लेकिन अगर उससे बाहर वो ग्रो करना शुरू हो जाए तो फिर और अब फिर रुकेंगे वह उस टिशू से बाहर भी निकल जाती है जिसको हम मेटास्टिस बोलते हैं यानी अपने महल्ले से निकल गए आप दूसरे महल पहुँच गए

मेरे दोस्त के एक वालिद साहब को एक ट्यूमर हुआ जिसके वो एनालिसिस के लिए गए साउथ सिटी अस्पताल कराची और वहाँ पे कहा कि कैंसर है पहले एनालिसिस पे फिर उन्होंने जब खोला तो इट वाज सम वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ ट्यूमर जिसने इतनी स्पेस ले ली थी दैट हिज बॉडी पार्ट मेक स्पेस फॉर द ट्यूमर ठीक एंड देन दे इट आउट एंड देन ऑन द बायोप्सी दे फाउंड फादर इज स्टिल लाइफ माशा अगर वो ग्रो करता जा रहा है और वो जगह ले रहा है आपके जिस्म का हिस्सा बनता जा रहा है तो वो फिर लिम्फैटिक चैनल्स के थ्रू नहीं ट्रांसमिट होता वो खाली अपने अंदर ही अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही yeah. खाली ग्रो so, करता so, uh, <coughs> 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 <and coughs> है थोड़े से रहते हैं उनको निकाल दिया वो खत्म हो जाते हैं जो इतने आप ऐसे बाहर होते हैं कि उनको आप कुछ नहीं कर सकते बट इट अलॉट इन बिटवीन सो कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो बायोलॉजिकली बायोलॉजिक लेवल के ऊपर बिनाइन है इन अदर वर्ड्स वो अपने उनके गिर एक कैप्सूल एक हॉल एक शेल रहता है वो उसको ब्रीच नहीं करते लेकिन वो फिर भी अंदर बढ़ते चले जाते हैं और कई दफ़ा अपनी साइट की वजह से मलेग्नेंट बन जाते हैं यानी अपने बिहेवियर से वो वोलेग्नेंट बन जाते हैं एक्चुअली बायोलॉजिकली वो बिनाइन होते हैं आपने जो आ, मिसाल दी वो कुछ ऐसी चीज़ की है जो ग्रो कर रही थी और उसको एक दफ़ा निकाल दिया तो वो खत्म अगर आपने कंप्लीटली उसको आउट कर दिया तो खत्म है लेकिन चूंकि वो ग्रो कर रही थी और अगर उसको आप अनचेक्ट छोड़ देते तो उसने बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाके फिर रुकावट इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है या कोई और ऐसी चीज तो यस इसमें भी पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है आई मीन देर आर लिफेटिक ट्यूमर विच आर ऑल एट द बॉर्डर लाइन वो कई दफ़ा बॉर्डर लाइन बिना या ये होते हैं और जो पेशेंट्स हैं कई दफ़ा बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं कि hmm. ये आ, है या नहीं है और कई दफ़ा इसका जवाब होता है कि कुछ ट्यूमर्स इन स्लो मोशन भी होते हैं हाँ हाँ तो स्पीड एट विच इट्स इट्स स्लो मोशन ये एजिंग का अब जो प्रोसेस होता है हमारे अंदर एक डॉक्टर साहब साहब हैं वो जेनेटिसिस्ट हैं हार्वर्ड के उनका नाम डेविड सिंह क्लेयर है वो एक कहते हैं कि एजिंग इज़ नॉट अ डिजीज़ इसलिए उसके लिए आपको ड्रग्स नहीं दिए जा सकते लेकिन एजिंग को वो इस तरह बयान करते हैं माजरत अगर मैं कुछ बेसिक तरीके से बयान डॉक्टर नहीं हूँ Uh, मगर वो कहते हैं कि जो आपका एक सेल दूसरे सेल में कॉपी होता है तो वो उसके जेनेटिक कोड के अंदर जो डिस्क्रेपेंसीज आती हैं दैट्स वॉट एनज ऑफ बींग एजिंग सो वो कहते हैं कि एक रिजवेरेट्रॉल वो प्रिस्क्राइब करते हैं जी पे मिलती है ये चीज़ें और एनएमएम प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे वो कहते हैं कि वो कापिंग के अंदर वो कहते हैं टेलीमर्स के अंदर कुछ कह रहे थे कि वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं और कॉपियंग के अंदर जेनेटिक डिस्क्रेपेंसी कम आती है सो यू एज स्लोअर

Is, is, is but a hospital say, can't uh, prescribe uh, medicine for aging because it's not a because disease. Because generally, that's not the issue. That it's a disease or not. The fact is, if it, is, you know, if it has categorical proof that it works or slows aging, for example, everybody would use it, uh, and it would have a rational basis for use, whether it's a disease or not. I mean, hmm. but. मैनी ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम इसमें कुछ ट्रूथ होता है लेकिन कुछ एग्जेजरेशन भी होती है कई दफ़ा और कई दफ़ा पार्ट ट्रूथ होता है कि इन द सेंस कि वो कुछ बात जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है लेकिन वो बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती सो येस एजिंग किसी हद तक अब वी आर ऑल प्री प्रोग्राम टू एज जो हमारे सेल्स hmm. हैं वो एवेंचुअली उन्होंने उन्हीं के अंदर जो जो मेरी तबाही की चीज़ वजह जिसने बनना है वो इनहेरटली मैंने कंटेन करता हूँ अपने अंदर hmm. तो वो आ, सो इन अ वे जो सेल डेथ है वो किसी हद तक यू you नो know, उसको प्रोग्राम है या उसने एवेंचुअली उसको होना ही है और उसमें कुछ ताल्लुक जैसे आपने बताया कि एज़ स्ट्रक्चर नो मल्टीप्लाई कई दफ़ा वो एरर्स भी आ जाती हैं ऑल दो थिंग्स आर ट्रू एज वेल मगर ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है इसको हुँ. इतना इतना आसान नहीं बनाया जाता ईजी को रिलेशन नहीं है जो हम कई दफ़ा ड्रा करना चाहते हैं या चाहते हैं <laughs> <laughs> है। <laughs> अपना वैसे uh, क्या कहते हैं Uh, क्योंकि मैं लॉन्जेविटी और फिजिकल हेल्थ और इसके बारे में बहुत सोचता हूँ कि हाउ वट कैन आई डू विद दिस एज सो दैट आई डू एंड अप सर्वाइविंग लॉन्गर बी लाइक आपके कोई yeah. uh, कोई अगर टोटके मामले में, में पहला टोटका तो... बताता हूँ <laughs> <laughs> so, uh, उसका आप Genetic. कुछ नहीं कर सकते ठीक है दूसरी बात है कि अपनी वुट यू ईट हाउ यू लिव डोंट स्मोक एंड अदर हेल्दी हैबिट्स हेल्थी है बैलेंस डाइट खाए

nothing is a guarantee and nothing assures that uh, you will live to be a ripe 95. but uh, uh, other than genetics, we do have some some influence on it. and much of it has to do with physical activity, keeping your weight under control, in other words, what you eat. Mm. Uh, avoid uh, carcinogens, okay, obvious carcinogens, and avoid Uh so there, there are some tricks. <laughs> also, health is, health is a major factor. and uh, in, in that, uh, fitness is a major factor. Fitness is very important. So, if I have more muscle mass than fat uh, in my body, then I will last. Karunga. Generally, if you are stronger, mm. you'll survive better with falls and injuries. Um, your um, loss of bone will be slower. Mm. Uh, your ability to retain balance and mobility will be longer. So, if you see a 90 year old who's walking about normally, he's probably going to live to 95 or 98, who knows. So, even small things like hand grip hmm. will determine if you have a strong hand grip at age 60 or 70 or 80. You know, depending on which hmm. um, determines how what your longevity is or how how long you will survive because it's just an indirect measure of of a number of healthy attributes. Hmm. So. And so, like uh, someone with a with a stronger hand grip will have five times more likelihood or will, something. I don't know about five times, but yeah, they 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 are more likely to uh, have a longer, healthier life. Likely, statistically. So, sir, अपना ये experienced uh experience you you joined them in ninety five and then uh, from there onwards, uh, uh, how, what was the journey like to becoming the CEO? Full of accidents. So, <laughs> I joined. Uh, डिजीज़ uh, करना चाहता था कैंसर में मेरा बरह इंटरेस्ट नहीं था आई थालिटी चैलेंज कुछ चीज़ फर्क फर्क हो hmm. तो इन्फेक्शन चूंकि जिसम के हर हिस्से में होती हैं और a, a जो मुझे पसंद आया तो मैंने उस वापस आ रहे थे

और बहुत से लोग ये करना भी नहीं चाहते थे बिकॉज एडिशनल हैसल और हेडिंग थी बार ऑल एनी दिस इज हाउ इट वॉज तो आई थॉट कि ये दो तीन साल करके देर ऑल गो टू माई इन्फेक्शन डिजीज मे बी डू सम रिसर्च और लेकिन जो हमारा सी ई ओ था उस वक्त वही लेफ्ट प्रेमच्योरली तो वो जब चला गया तो जो हमारा हमारे सिस्टम में जो नंबर टू होता है वो मेडिकल डायरेक्टर होता है तो मैं एक्टिंग सी ई ओ बन गया सो तो कुछ अर्सा हम ढूंढते रहे हमारा बोर्ड ढूंढता रहा कि कुछ लोग आ जाएंगे तो इट्स नॉट ईजी टू फाइंड सम बडी डू कम एंड डू दिस जॉब तो देन द चेयर एंड द बोर्ड वेल डोंट यू डू सेगस्ट टू थाउजेंड टू से मैं एक्टिंग पोजिशन में कर रहा था तो so, जनवरी में कहीं लेटर दे कर लो सो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज हेजिटेंट बिकॉज आई था कि देखो यहाँ इनके सी ई ओज आते रहे हैं हर दो दो तीन तीन साल बाद बदलते रहे हैं मैं अब चालीस की उम्र में सी ई ओ बन जाऊँगा तो फोर्टी टू पे मैं अगर मुझे निकाल दिया तो फिर मैं कितने भागूंगा सो यू नो यू यू गेट दीज पियर्स बट एनी ट्राई इट देखते तो सो आई स्टॉक अराउंड एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई कॉलीग्स फ्रॉम द बोर्ड फ्रॉम द चेयर फ्रॉम फ्राम पियर्स इवन दोज जो मेरे डायरेक्टर्स थे मोस्ट ऑफ दस ओल्डर टू बी बट यू नो मोस्ट ऑफ दैम देस्टैंड देयर फील्ड्स नर्सिंग फाइनेंस मटीरियल्स मार्केटिंग एच आर आई लर्न फ्रॉम दीज पीपल क्योंकि मुझे तो इसका कुछ पता नहीं था इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मुझे थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट था बट अगेन आई एम नॉट एन आई टी प्रोफेशनल तो आई टी टीम मैंने खुद इकट्ठी तो की वॉरलेस uh, जो हमने सिस्टम बनाया उनसे सीखा uh, तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग ऑपरचुनिटी फॉर मी दूसरा hmm. ये था कि द बोर्ड रियली बैक्ट भी अगर आपको ये फिक्र पड़ी रहे कि अगर मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे नहीं था दे वर वेरी इंटेलिजेंट कि ओके okay, फाइन ये चीज़ है ऐसे ट्राई करें हमें बताएं कीप अस पोस्टेड कीप अस अपडेटेड फॉर एग्जाम्पल ये जो हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमने बनाया इट वॉज शॉर्ट इन द डार्क इन द सेंस के ऑफ द शेल्फ सिस्टम तो बड़े महंगे थे खुद किसी कोई लोग अक्सर बना नहीं पाते थे तो दे गेव मी दर्मिशन टू प्रोसीड दे चेक ऑन इट दिस इज हाउ इट है I mean, toh, uh, you had uh, no insecurity of your job after a certain point because of the backing of the director, and they let you take as many risks as you wanted to take. Deke, insecurity in a, in a private job is always there in the sense that you know if you perform, you perform. If you don't ask me, if you don't perform, I don't think anybody is going to be too nice to me in that in that way. But if rightly, will But I think I became comfortable in what I was doing, and I think. Uh, आई गेंड कॉन्फिडेंस इज़ वेल लिटिल केपेबिलिटी भी आ गई वक्त के साथ आपने सीख ली चीज़ें जो आपको hmm. नहीं आती थी और थोड़ी सी आपको ह्यूमिलिटी भी साथ साथ रखनी चाहिए कि सारा कुछ तो आप सीख सकते नहीं हैं तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ती है उसके लिए भी तैयार रहें नए चैलेंजेज आते बट यस आई बिन वेरी लक्की आईव हैड द मोस्ट ट्रमेंडस सपोर्ट फ्राम द बोर्ड फ्राम चेयर आई मीन इमरान खान एज अ चेयरमैन फॉर आस है उन्होंने हमेशा माइक्रो मैनेज नहीं किया A guidance the has effectively managed the board and sat on the board and given his input, especially in areas that he does have expertise, fundraising, mm -hmm. for example. Um, and in areas where he does not expertise, he always listens to experts. You give an opinion, you give a presentation, you present your points, and the board argues sometimes very loudly. Disagreements mm here, -hmm. but at the end we have a consensus decision. You move on. तो मुझे भी और मेरे बाकी साथियों को भी बहुत सपोर्टिव बोर्ड मिला है एंड ये एक, एक नहीं है तो बोर्ड तो चेंज होता रहा ना मेंबर्स आते रहे जाते रहे सो so, अगर आपने ग्रूम करना है अपने सीईओ को और लीडरशिप को तो यू हैव टू बी एबल टू डू दैट तो आई वाज लकी रियली ग्रेट द बोर्ड एज वेल सर ये जो इतनी बड़ी आप इंस्टीट्यूशन के अब सी हैं तो ये आपके माइक्रो से मैक्रो के अंदर जो ट्रांजिशन uh, रही है इसमें कोई अगर हमें लेसन सिखा सकें आ, 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 हमारे भी इसमें लाइक फॉर मी टू स्केल अप माय बिजनेस आई ऑफन वंडर कि मैं किस तरह ये छोटा वाला काम छोडूं या दैट वर्क बड़ा so मुश्किल है, है मैं आपको बताता हूं आई थिंक के इट्स अ फाइन बैलेंस इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि जो चीज़ जिसके साथ देखिए अगर तो आप आए ही सीनियर पोजिशन पर हो रहा है दैट स्टिल डिफरेंट मगर आपने ग्रो नीचे से किया है इसका मतलब मैं आपको ये भी पता है कि इदारे में बिजली के प्लग कहाँ लगे हैं और यहाँ ईट क्यों लगी थी और यहाँ ये यह कमरा क्यों बना था और फ्लॉ पॉलिसी की क्या वजह थी ठीक है सो यू हैड दैट ग्रेनी फील ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट एज यू बिकम सीनियर एंड देर अदर लेयर्स बिनीथ यू नाउ हुआ टास्क टू डू दिस तो आपको थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है टू अलाउ पीपल टू मेक दर मिस्टेक सो वही ग्रूमिंग जो हमारी हमारे बोर्ड ने की अब आपने अगलों की करनी मैं कई दफ़ा अपने कॉलिग्स को मिसाल देता हूँ कि जैसे हम जब रेजिडेंट होते हैं ना तो इंटर्न होते हैं तो हमें कोई सिखाता बड़े सबर से देखता है वो आपके साथ और आप सेंट्रल लाइन डाल रहे होते हैं उसको नजर आ रहा होता है कि आप वो आप परेशान भी हो रहा होता है उसको ज्यादा टाइम लगता है आपको ये करवाते हैं लेकिन फ्रस्ट्रेट हो रहा था <laughs> जब आप उस पोजिशन में होते हो आपको होता है यार मैं एक सेकंड में ये कर दूंगा क्यों अब आप एक्सपीरियंसड हो चुके हैं आप वाकई एक मिनट में वो चीज़ कर देंगे जो आपके जूनियर को दस मिनट लगेंगे लेकिन आपने खड़ा होना है क्योंकि आपने अगली पौधों को सिखाना करना तो इट द सेम बैलेंस आपने नज़र भी रखनी है बिल्कुल गड़बड़ हो रही है तो वहां फिर आपको हाथ डालना है लेकिन आ, आपने कोशिश करनी है कि अगली पार्टी जो है जो अगला लेयर है वो सीखे और अपनी मिस्टेक्स जो है वो एक, एक दायरे के अंदर अंदर रखे ताकि वो ख़तरनाक ना हो और फिर खुद सीख के वो आगे तो आपने डेलीगेट भी करना है इन अदर वर्ड्स आपने आगे देना भी है लेकिन डेलीगेट का मतलब ये नहीं कि आपने फिर ज़िम्मेदारी अपनी ख़त्म कर दी जिम्मेदारी आपकी ही रहती है ऑन वन हैंड यू कॉन्ट अलाओ मिस्टेक्स टू हैपन एंड ग्रो टू अ पॉइंट जहाँ फिर बाद में वो काबू में ला रहे हैं ऑन दी अदर हैंड अगर आप माइक्रो मैनेज करना शुरू हो गए तो, तो इदारे से दुश्मनी है सो यू हैव टू ऑल्सो वॉच वॉट यू डू सो इसमें पॉलिसीज प्रोसीजर्स ओवरसाइट मेकनिजम्स ऑटोमेशन ऑफ थिंग्स ट्रेनिंग रिमाइंडर्स स्टैंडर्ड्स मैटर करते हैं तो Look, I I was away for two years hmm. in government. And my partner, Dr. Asim, the chief medical officer, he was acting CEO for those two years. And I was completely blind to what was happening. By design, I just left the institution. I scrubbed clean of the place. And I hmm. uh, didn't receive any emails from them. Nothing. I you know hospital ke social events ka Facebook. Se <laughs> toh, but... अगर हमने ये इस तरह की डेवोलूशन और डेलीगेशन ना प्रैक्टिस की होती तो इदारा क्या चल सकता था इदारा स्मूथली चला उस दौरान उन्होंने जॉइंट कमीशन की सर्टिफिकेशन कराई कोविड का एक्जलरी रिस्पॉन्स रखा अपने इदारे के अंदर फ़ंड रेजिंग कंटिन्यू की सारी चीज़ें कंटिन्यू की तो हुँ. ये सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर आपने डेलीगेशन की और वो डेलीगेशन अब फर्दर डाउन तक भी होने की ज़रूरत है और हो रही है तो जो आप जिसको आप डेलीगेट करते हैं कि up, you know, क्योंकि अगर देखें बड़ा मुश्किल है अगर हर चीज़ हर चीज़ की नोक पलक मैंने खुद ठीक करनी है तो वो नहीं हो सकती ना मेरे पास तो घंटे में उतने दिन नहीं है हुँ. लेकिन आ, आपने ये भी देखना है कि कोई क्रूशल चीज़ जो है वो गड़बड़ ना निकल जाए हुँ. मैं कई लोगों को एक मिसाल देता हूँ मैंने कई पढ़ा था स्टीव जॉब्स जब गूगल की पहले आईफोन में अपनी गूगल की ऐप डाल रहे थे तो जो गूगल के अंदर बड़ा आई थिंक जो करंट सी और शायद ये उसकी कहानी है आ, वो हिंदू जैटल में तो पूजा पे थे इतवार के रोज़ तो वो फ़ोन बजा तो उसने देखा कि मिस्ड कॉल है नहीं उधर तो नहीं ली बाद में जब कॉल किया उसने जॉब्स उसको फ़ोन किया जाए तो फोन किया तो उसने उससे कहा कि वो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि गूगल का जो दूसरा ओ है उसका जो ऑरेंज या येलो कलर है उसका शेड मुझे कुछ थोड़ा ठीक नहीं मतलब तो अब ऑन वन हैंड सुना मैंने किस्सा है मुझे नहीं पता कि ये कितना दुरुस्त है बट आई डिड रीड इट सो यू नो ऑन वन हैंड आपने क्योंकि देखे ना वो आपका फेस है इट्स गोइंग आउट बट ऑन दिया अदर अगर आप हर चीज में इतनी बारीकी में जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर uh, वो भी मुश्किल हो जाता वो भी बड़ा अवार्ड oh. उनकी स्टीव जॉब्स की तो एज एज अग लीडर दैट वन वॉन्ट्स टू लुक एट तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि यार ये कोई अगर अच्छा इंसान होता अपनी शख्सियत में तो बंदा बंदाट वॉन्ट टू लुकट वो सॉफ्टवेयर कोडिंग की उनकी कोई नॉलेज नहीं थी uh, वो ऑर्डर बहुत करते थे कि ये, अगर दुनिया पाँच दिन में खुदा ने बना दिए तो तुम तो तो ये कर्व नहीं कर सकते इसकी विंडोज़ के <laughs> इस तरह की उसकी लाइनें होती थी oh. तो

दबिलिटी टू डेलीगेट इज ऑल्सो टफ बट दैन एक्सेलेंस भी कई दफ़ा इस एंगजाइटी और इसी जो डिस्ट्रॉटेड रियालिटी आप बोल रहे हो रियालिटी डिस्टॉशन क्रिएट करके आती है कि नहीं ये तो होना है हम भी कई दफ़ा करते हैं अपने इदारे में हम करते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है कितने महीने लगे हम तो ये ऐसे करेंगे और हम तो करके छोड़ेंगे और हो जाता है और हो भी जाता है ये भी कुछ <laughs> अल्लाह तला का कानून है जो आप अपनी नीयत कर लेते हैं ना तो फिर आई थिंक लिटरली द यूनिवर्स डज बैन टू योर

उस वक्त तो यही ख्याल था इस लाहौर का एक मास्टर प्लान है यू यू एक्सपेंड होगा वगैरह वो होता भी गया लेकिन आ, कुछ ये भी नज़र आया कि बीस पच्चीस फ़ीसद लोग जो थे वो खैबर पख्तुनख्वा से आ रहे थे तो पेशावर की तरफ नज़र गई कि वहाँ बनाने की ज़रूरत है वो लोग आते थे कई कई दिन बेचारे कई कई हफ़्ते आगे बैठे हुए हैं यहाँ अपनी रोज़ी रोटी छोड़ के इलाज तो मुफ्त हो रहा है लेकिन बाकी सारा काम डिसरप्ट होता था तो इसलिए पेशावर बना अब जब वो बन गया इन फेजेस तो फिर कराची का वादा तो उससे भी पुराना था तो कराची में हमें ज़मीन के एक मसाइल रहे बट एवेंचुअली जहाँ बिल गई तो फिर हम प्रया सो कराची का हॉस्पिटल विल बी टू एक्स टाइज ऑफ़ लाहौर इनशाला कैंपस अभी बीस एकड़ कैम्प एक्चुअल कवर्ड एरिया है वो दुगना है लाहौर से और पेशावर से एंड इन द लॉन्ग टर्म इट्स कैपेसिटी विल बी टाइस एज बिग अगले साल दिसंबर में इन शह हमारी उम्मीद है और प्लान है कि हम इसको इनागरेट कर देंगे उसके स्टार्ट कर देंगे और फिर उसको आगे बिल्ड करते जाएंगे कैपेसिटी को जैसे टाइम एज़ टाइम एंड फाइनेंसिस अलाउ जबरदस्त देन हाउ आर दीस दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस मैं अपनी फिल्म uh, फंड करवाने की कोशिशों में तो आई समटाइम्स इक्वेट एवरीथिंग टू दैट के हाउ डू आई गेट फाइनेंसिस फॉर माय फिल्म हाउ डज वन गेट फाइनेंसिस इट्स इजीियर टू सेव सेविंग पीपलस लाइव्स देन मेकिंग अ प्रॉफिट वेंचर आई एम श्योर एज़ वेल बट Uh, uh, yes, जब आप किसी को कहते हैं यार किसी की जान बचानी है तो लोग पाकिस्तान में या ग्लोबली इंसानी नेचर है कि लोग कहते हैं यार अच्छा होके बताओ अभी मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ मैं एटलांटा hmm. में था तो हॉस्पिटल के फंड रेजर था वहाँ एंड आई थोड़ा सा टाइम था तो मौसम अच्छा था मेरे कहा जरा मैं स्ट्रेच करता हूँ थोड़ा hmm. सा निकलता हूँ सो आई वॉक आउट तो वो ट्रैफिक लाइट मैंने क्रॉस करनी थी तो वो लाइट चेंज नहीं हो रही थी खैर मैं दूसरी तरफ सड़क के गया आकर उधर जाऊँ तो एक बंदा आ गया वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया वो कुछ दाएँ बाएं देख रहा था तो उसको मैंने कहा कि ये जो आदमी चलता हुआ नज़र आता है ना रेड से ग्रीन ये यहाँ हो नहीं रहा hmm. तो जब वहाँ दूसरी लाइट हो जाती चेंज तो फिर आप चल पड़ना तो वो कहता अच्छा तो मुझे कहता सडनली कोई ना मैंने कुछ नहीं पहना वरना हुआ ना नथिंग ही सेज इज थिंगर एन इवेंट यहाँ कोई 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 कैंसर का इवेंट है इमरान खान का इमरान खान, खान कमिंग तो आई सेड नो ही इज नॉट कमिंग बट इवेंट है देसी लग रहा था नहीं नहीं हाँ। गोरा था वो गो था तो मैंने कहा कैसो सो ही सेड ओ आई एम जस्ट इंटरेस्टेड आई सेड वाई यू आस्किंग सो ही मैं आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन कैंसर आई नो ओके ही सर वो मेरी बेटी को hmm. था वो क्योर हुई है तो तो मैंने कहा तुम इमरान खान को कैसे जानते है? तो ही सेड वेल साउथ अफ्रीका से हूँ क्रिकेट है कौन नहीं जानता अभी तो वो प्रेजिडेंट था प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्री का ओके okay. hmm. अब खड़े खड़े ये बाय द साइड ऑफ द रोड ऑन साइड वॉक समवेयर मेरे होटल के बाहर ये साहब आए उसने मुझसे कहा मुझे ईमेल एड्रेस दो मैं डोनेट कर तो द सेल इज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर फॉर इन तौर पर अगर आपका कोई यू नो नियर एंड नियर वन हो लेकिन इवन अदरवाइज सो वी ऑलवेज से कि दो चीज़ें शौकत खारम के लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर आप अपने मिशन को ट्रू हो यानी गरीब आदमी का इलाज होता रहे और आप बिहार क्वालिटी के मुताबिक इलाज करो तो इन लोग पैसे देते रहेंगे ये दो चीज़ें ना छोड़े तो चाहे जो मर्जी हो जाए लोग हेल्प करेंगे इवन पीपल कम गरीब लोग जब आते हैं तो आ, आपका क्या क्राइटेरिया बिकॉज ये भी होगा कि कुछ लोगों को जिनको आप नहीं कुछ कर सकते यू हैव टू चूज़ आपको जानी माल को तोलना भी पड़ता होगा कि ये अगर थर्ड स्टेज कैंसर में है तो इसका इलाज करने का फ़ायदा नहीं तो How does, ये इसमें क्या है है so, से पहले जो ना वो ठीक। है। है। का तो मसला ही नहीं है जो मेडिकल क्राइटेरिया पार करके आ गया उसको हम ले ही लेंगे ठीक। उसको देंगे। प्रॉब्लम यह होती है कि हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड होती है। साल के हमारे दरवाजे पे पचास हजार के करीब नए कैंसर केसेस आते हैं उनमें से अगर आपने दस बारह हजार एक्सेप्ट करने हैं तो आपने बहुत से लोगों को और वो बड़ा मुश्किल काम है आप जिस मर्जी मन तक इस्तेमाल कर लें उस वक्त उनका दिल चल रहा होता दिमाग नहीं।, नहीं तो यह मन तक किसी को समझ नहीं आती लेकिन मन तक यह है कि आप अपनी कैपेसिटी को अगर मेंटेन या मैनेज नहीं करेंगे तो आप अपने आप को ओवर रन कर सकते हैं और फिर हर किसी का इलाज सफर करेगा वो जो दस बारह हज़ार नए हर साल ले रहे हैं उनमें से किसी का भी बर वक्त कीमो नहीं होगी किसी की बर वक्त सर्जरी नहीं होगी वगैरह वगैरह तो ये बड़ा मुश्किल काम है इसीलिए हम लगातार अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ एनहांस करने की कोशिश करते हैं और कैपेसिटी का ताल्लुक पैसे से तो है ही लेकिन पैसे से बहुत ज़्यादा लोगों से है ट्रेन मैन पावर से है अब जब हमने पिशावर खोला तो वन ऑफ़ द बिगेस्ट चैलेंजेज़ वॉज नॉट कि पेशावर तो हमने कैंपस बना लिया स्ट्रक्चर बना दिया मशीनें आ गई बट ट्रेन डॉक्टर्स नर्सेज अदर टेक्निकल स्टाफ दैट्स हार्ड टू फाइंड एंड हर जगह इज़ हार्ड टू फाइंड पेशावर में पर्टिकुलरली था बिकॉज वो एक पिशावर वॉज रीलिंग you know, the, the and and कितनी you know, आपको पता है क्या माहौल था उस वक्त दो हज़ार चौदह पंद्रह बट फॉर्चुनेटली वो बिल्डअप हो गया तो ये जो ऑफ़ लाइफ है ये बड़ा ही मुश्किल से काम है, it, mm. बड़ा है आप कि आपको आपने लेना है किसको आपने मजरत करनी बट वी डू इट और uh, we do it to maintain quality and ensure कि जिसको हम ले रहे हैं कम कम से उसका हक पूरा uh, इसमें की जो है वो की से ज़्यादा आपको शायद वो भी मैनी भी नहीं है इसमें। It's more like, uh, इस को बचाया जा और इसको नहीं बचाया जा सकता एक तो, ये है और अगर इसको बचाया जा भी सकता है तो मुझे इस तरह के बचाए जाने वाली सिचुएशन के हज़ार केस में ले सकता हूँ लेकिन बारह सौ नहीं ले सकता बहुत खींचूंगा ग्यारह सौ ले लूंगा तो ग्यारह तो मैं ले ही लूंगा वो तो इतना तो हम शेक तो सैक कर देते हैं लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आप अपने सिस्टम को ओवरलोड करें तो क्या होता है फेस टाइम जो मिलता है डॉक्टर के साथ वो कम होना शुरू रहता है वक्त पे स्कीमो नहीं होती वक्त पे रेडिएशन नहीं होती मशीनें ओवरलोड होती हैं लोग ओवरलोड होते हैं लोग छोड़ के चले जाते हैं बर्नआउट की वजह से तो आपने सारी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे मैं एक शोर के जिनको कम अज़ कम ले लिया है उनका साथ तो आप पूरा इंसाफ करेंगे

फ्रंट लाइन स्टाफ के साथ मीटिंग होती है मेरी आज एक स्केजल थी बल्कि उसको मैंने आगे किया <coughs> तो आ, उसमें मैं कई दफ़ा उनको कहता हूँ कि अगर डॉक्टर आगे बैठे और आपसे बात करें तीन मिनट और अगर खड़े खड़े तीन मिनट बात करें तो जो बैठ के तीन मिनट बात कर रहा होता है ना परसेप्शन होती है कि छः मिनट बैठा है और जो खड़े खड़े तीन मिनट कर रहा होता है वो लगता है कि डेढ़ मिनट बोल के गया सो येस देर इज़ अ क्लियर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हाउ द पेशेंट परसीव्स योर अटेंशन एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट ये तो साइकोलॉजी होगी लेकिन मैं आपको रियल बताता हूँ देखिए मैं मैं इन्फेक्शन डिजीज डॉक्टर हूँ मेरे पास लोग इन्फेक्शन के साथ लेकर आते हैं ढेरों ढेर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती कई कई साल से बुखार चल रहे हैं इन्फेक्शन हो रही है परेशान आते हैं ठीक है, है? <coughs> जिस दिन क्लिनिक ओवर बुक हो ज़्यादा लोग हों mm. प्रेशर में होता हूँ मुझे खुद सेट्सफेक्शन नहीं होती तसली नहीं होती कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैं बाद तक भी सोचता रहता हूँ मैं हर दफ़ा वो अपनी हम एक लिस्ट मेन्टेन कर सकते हैं तो वो अपनी लिस्ट में मैं उसको मरीज़ को डाल देता हूँ कि मैं बाद में जाके देखूंगा पढ़ूंगा कई दफा अपने ट्रेनिंग फॉलोर्स को कहता हूँ कि अच्छा इसका स्कैन बाद में ये तो रूटीन है ना कि हम देख के बाद में फिर चेक करते हैं कि बात कोई और चीज़ में ना मिस हुई हो जिस दिन आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा होना तो उस दिन आप आराम से सुनते हैं आप मरीज़ को कट ऑफ नहीं करते हैं। आप उसकी पूरी वो कई दफ़ा आखिर में कोई बहुत अहम बात बताने वाला होता है जो आप अगर बेदहानी में या इम्पेश्स में उसको काट देंगे तो आपको नहीं पता चलेगी और कितनी दफ़ा मैं आपको बताऊं कि सिर्फ गौर से सुनी हुई बात से सारा मसला हल हो जाता है और सो so ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है डॉक्टर के पास जो फेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में बेसिकली yeah, yeah. बहुत ज़्यादा मदद कॉम्प्लीकेशन को पिक करने में डायग्नोसिस में थिंक थ्रू करने में That's that's very interesting, because that's one of the things that I was reading कि होम्योपैथी के लोग जो लोग बिलीव करते हैं उनको इसलिए भी होता है क्योंकि वो जब जाके बैठते हैं डॉक्टर के साथ तो डॉक्टर जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं कंपेरिटिवली so, बहुत सारे ट्रेडिशनल हीलर्स जो है दे आर मास्टर्स दिस मरीज को सेटिस्फाई करना तसली देना आराम देना उसकी पेन और सिम्टम्स को रिलीव करना हम कई दफ़ा ये जो एलोपैथी जिसको आप बोलते हैं या साइंटिफिक मेडिसिन पर हम बिल्कुल वो चीज़ को डायग्नोज करके ठक्कर के ट्रीट करने के चक्कर में कई बार ये दूसरी चीजें hmm. भूल जाते और uh, और टू द होता है इसमें वो जो दूसरी तनकीद है सिम्टम्स एंड दैट यूर नॉट लुकिंग एट द बिगर थिंग जस्ट लाइक एन अनफेयर इन समिंग्स जस्ट ट्रीटिंग सिमटम्स कोल्ड फॉर एक्साम्पल सिल्ड की दवाई नहीं है you know, hmm.

बिकॉज बहुत सूरत में जब आप रूट का सॉर्ट आउट करते हैं तो सिमटम्स तो चले ही जाते हैं ख़ुद खुद सॉर्ट आउट हो जाते हैं uh, लेकिन uh, ये गलत है कि साइंटिफिक मेडिसिन में सिर्फ सिम्टम्स को नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंदर जाके करेक्ट करके ठीक करते हैं बट हार्ट डिजीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल uh, उसको आप

िन <laughs> you know, <laughs> uh, उसको तब कहता था कि ये एविडेंस अगेंस्ट बटर इज वेरी मार्जिनल ये मार्जिन और तवान करेगी ये नो दिस इज बैक एक्चुअली ये जो बाद में इन्होंने किया है वो समविडेंस एग्जिटेड uh, hmm. उसको इतनी तवज्जो लोग नहीं देख रहे थे या uh,

मॉडिफाई योर रिस्क ये भी सोचने की बात hmm. होती है सो इट्स अ कामलैक्स है कि मैं अपने हमेशा डॉक्टर्स को कॉलिग्स को जूनियर्स को खास तौर hmm. कहता हूँ कि देखो ये इल्म जो है ना ये बदलता रहता है ये कोई वो अल्लाह ताला जो है ना वो रिलीज इंफॉर्मेशन एज वी ट्राई टू तो फाइंड इट hmm. तो हम इसकी जस्तजु में होते हैं और हम वक्त के साथ ज़्यादा वाइज हो जाते हैं अगर आप पुरानी किताबें निकाल के देखें तो कई दफ़ा वही किताबें का लगती <laughs> so, yes. और इसी तरह अभी रिसेंटली निकाले एक तो हमारी एग्रीकल्चरल ग्रेन भी सेम नहीं है वो भी इवॉल्व करके हमने उसको कहीं और कर दिया लेकिन पुरानी उनने रेसिपीज निकाली खानों की और दे देख इट इज एन एक्सपेरिमेंट दैट दे डिड ऑन दैट आई वाज वाचिंग रिसेंटली वो मिडिवल जमाने का खाना बना के उन आज के बंदे को खिलाया और उसको तो मजे का ही नहीं लगा क्योंकि इंसान भी तब्दील में से तब्दीलियों में से तब्दील गुजर रहा है टेस्ट भी चेंज हो जाते टेस्ट भी चेंज हो जाए सर आ, बताएं अब आ, आप अगर कोई शौकत खानम की तरफ से कोई लास्ट मैसेज या कोई नई अपडेट्स कोई हमें बताना चाहें वेरी सिंपल लुक शौकत इज एन एन अमेजिंग जर्नी अमेजिंग मिशन इट स्टार्टेड आउट विद द आइडिया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लोग समझते हैं कि इमरान खान की माँ को कैंसर हो गया तो इसलिए वो हो गए भा वो तो ट्रिगर था बट इट वॉज कि माँ को कैंसर हो गया वट इज माँ का इलाज तो वो करवा रहे थे वट ही सौ वर्ष के जो दाएँ दूसरे लोग थे वो इलाज करवाने में उनको मुश्किल आ रही थी सो so इसकी जो रूह है ना जो स्पिरिट है हैज़ गॉट टू डू विद एन अनबेट नीड ऑफ देट आर वीकर देन यू आर दैट्स द फंडामेंटल पार्ट ऑफ शौकत खान एंड उसको पूरा करने के लिए हमारी कोशिश है सेंटर्स बने महार का इलाज हो इंसान के साथ तमीज़ तरीके से बात हो और uh, कैंसर का सुथरा इलाज हो सके ज़बरदस्त डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ आज मौजूद थे इट्स बिन एन ऑनर सर सोचा नहीं था कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी yeah, मिलेगी really लेकिन आपके आपसे बहुत सीखने को मिला एंड थैंक यू वंस अगेन बीइंग पॉडकास्ट बहुत शुक्रिया